हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक ऑन द की कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस क्वेश्चन। तो की कॉन्सेप्ट जो हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में दैट इज मैन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो बेसिकली डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर। जितने ज्यादा हमारे सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे उतने ही ज्यादा हमारी किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, तो हमारा जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है दैट मीन्स हमारे पास कोई भी एक बीकर है उसमें एक सोल्यूट दैट इज मैं कोई सॉल्वेंट होगा उसका प्रेशर होगा इनिशियली जिसको मैं लिख रहा हूँ पी नॉट से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद हम कुछ बाहर से सोल्यूट ऐड कर देंगे जिसको हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। तो वो यहाँ पे इसकी सरफेस पर आ जाएगा जिसकी वजह से एक नया प्रेशर हो जाएगा जिसको हम कहते हैं पी एस दैट इज प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अब ड्यू टू दिस सोल्यूट क्या होगा, हमारे जो वेपर से वो कम हो जाएंगी और अगर वेपर कम होगी तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो नाउ जो वेपर प्रेशर है उसमें कितना चेंज आया वो हमें बताता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो हमारे पास इक्वल होता है पी नॉट दैट इज इनिशियल वेपर प्रेशर से माइनस कर देंगे जब हम जो नया वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का डिवाइड बाय पी नॉट, और ये हमारे पास इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के जिसको हम काई भी से लिखते हैं। तो जितना ज्यादा हम ये सॉल्यूट डालेंगे उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, हमारा वेपर प्रेशर होगा, उतना ज्यादा हमारे पास बेसिकली रिलेटिव लोअरिंग होगी वेपर प्रेशर। तो जितना ज्यादा सोल्यूट डालेंगे उतना कम हमारे पास कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर होगा, और ये इसको हम लिख सकते हैं दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट होता है और एक हमारे पास सॉल्यूट होता है, तो इसको वी कैन ऑल्सो से टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हमारे पास इक्वल होता है टोटल मोल्स के। तो काई भी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, या फिर हम कह सकते हैं सोल्यूट के मोल्स भी हम कह सकते हैं। सेम बात होगी यहाँ पे, इसको मैं नंबर ऑफ मोल्स को इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कह सकता हूँ। तो यहाँ पे हम वी विल हैव नंबर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, तो इसको मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में अगर लिखें तो दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, यहाँ पे डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर या फिर एवोगैड्रो नंबर को खाली मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेसिकली सॉल्वेंट डिवाइड बाय एवोगैड्रो। तो यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और फाइनली जो बचेगा वो बचेगा सोल्यूट मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स बचेगा एन वी प्लस एन ए। तो यहाँ देखिए तो किसके इक्वल है, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का रेशियो टू द टोटल मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन। तो टोटल मॉलिक्यूल्स हमारे पास यही है, तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का रेशियो नहीं होता सॉल्यूट का होता है। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, बेस्ट ऑफ लक।